शांति। आज 23 अक्टूबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर है, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है, शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? यह तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पति पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते हैं कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं हैं कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजवाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो। विकर्म कराने वाला है रावण, उनकी मत पर नहीं चलो। कोई को दुख न दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो। हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं? रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतोप्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं। कल्प कल्प यह समझाया था। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? दुख से, रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में इविल यानी शैतान कहते हैं। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं।
बेहद का बाप सब बच्चों को खातिरी देते हैं। तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हो। मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए, बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी, फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं, क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेविनली गॉड फादर, हेविन स्थापन करने वाला, दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का, क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज, परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो तुम जानते हो। सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहाँ चलेगी। हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे, उसको कहा ही जाता है सतयुग। वहाँ के रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते, वहाँ कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, वह गाए ही जाते हैं। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी, वह ड्रामा में नूंद है। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी, मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है असुर, वहाँ है देवता, शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं हैं। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं विष्णु का नहीं, ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद यह बनते हैं। राजयोग की तपस्या करते ही यहाँ हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं, यज्ञ आदि भी यह रचा जाता है। बाप समझाते हैं यह अंतिम यज्ञ है, फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, किसम किसम के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे, यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है। जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, यह ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है,
दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, यह भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। यह जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि न हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है। अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवे? बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, वाटर प्रूफ मंडप बना लेवे। भल बरसात पड़े हर्षा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो। कोई विघ्न न डाले, अच्छा इंश्योरेंस कर दो, सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक बाप ही है, कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। यह मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं, सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं, दुख हरो सुख दो, यह भी समझते हैं। बाप आएगा तो हम बलि जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्यों को तो पता नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, वह सर्वव्यापी कैसे होगा? फिर तो सब भगवान कहलाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़े ही होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या यह सब भगवान करते हैं? उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहाँ की वहाँ रहे, सिर्फ प्रजा बनती हैं। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है। वहाँ कोई आसुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है, शादी बिगर दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी न करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी, जो दिन बीता वह कल्प पहले मुहाफिक, रात को सोते हैं ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता नहीं कि यह ड्रामा है, उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता नहीं। तुमको मालूम है तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधियारे में है, जो कुछ पार चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते, वह भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा, ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है, विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है,
समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी, आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं, हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम यह पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस कितनी प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे, पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसका कल्याण नहीं करते हैं तो ज़रूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दें, शरीर निर्वाह तो चाहे हजारों से करें चाहे 10 रुपए से करें, पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अच्छा ओम शांति।